जस्ट हेडिंग डालना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके, ठीक है। अब सबसे पहले चीज, ये चैप्टर ना आपको 10th में भी है तो इसीलिए थोड़ा चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसका जो फॉर्मूला पार्ट है, ये फॉर्मूला पार्ट अच्छे से याद करके रखना क्योंकि ये आपको आगे भी 10th में काम आएगा। सबसे पहले चीज यहाँ पे सबसे बेसिक चीज हमें पता रहना चाहिए, वॉल्यूम रहता है क्या है, सबसे पहले हम उसमें डिसाइड करेंगे। तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे ले सकते हो एरिया इंटू, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी थिकनेस। या आप बोल सकते हो एरिया को जब आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, लेंथ के साथ, तब जाके आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। ओके, अब पहले से एक चीज ध्यान देना, वॉल्यूम क्या रहता है, एक 3D क्वांटिटी रहता है, थ्री डिमेंशनल क्वांटिटी रहता है। एरिया क्या रहता है, एक 2D क्वांटिटी रहेगा। लेंथ जो रहेगा ये क्या रहेगा, एक 1D क्वांटिटी रहेगा। तो ये सब चीजों का थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए। ओके, दूसरा क्या आपको आइडिया रहना चाहिए, हम लोग जस्ट अभी छोटे छोटे जो सिंपल जो चीजें जो आपने 8th-9th में किया है वो जस्ट लिखेंगे। तो सबसे पहला जो है, आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पे एरिया करके लिख सकते हो। सबसे पहला जो एरिया है आप लिख सकते हो स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया रहता है एल स्क्वायर रहेगा, और आप चाहे तो लिख सकते हो लेंथ का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज साइड का स्क्वायर। कोई भी एक साइड का क्या करना है, स्क्वायर। सेकेंड जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया रहता है दैट इज क्या, लेंथ इनटू यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेथ। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इधर आएगा एल दैट इज लेंथ इनटू इधर क्या आएगा, ब्रेथ। एंड जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सर्कल। सर्कल का जो एरिया आता है इट इज क्या, पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या, यहाँ पे पाई रहेगा, आर का मतलब है ये रहने वाला है रेडियस का क्या आएगा, इधर आएगा स्क्वायर। ओके, इसको और एक ढंग से लिख सकते, तो यहाँ पे आएगा पाई, रेडियस के बदले यहाँ पे क्या आएगा, डायमीटर अपॉन यहाँ पे नीचे क्या आने वाला है, टू, इसका क्या होएगा, स्क्वायर होएगा। ठीक, तो सर्कल आप चाहे तो इधर लिख सकते हो, डायमीटर इज 2 times the रेडियस। अब ये आपने ऑलरेडी 6th chapter में किया है, जस्ट इसको जस्ट लिख के रखना, फिर हम लोग इसको जरा समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे वॉल्यूम। अब ध्यान दो, अब मैं नीचे क्या बना रहा हूं, स्क्वायर बना के रख रहा, जस्ट ध्यान देना यहाँ पे एक स्क्वायर बना के रख, इसको जरा सा चलो वैसे बनाते। ओके, अब ये जो स्क्वायर का एरिया है, यहाँ पे जो स्क्वायर का एरिया है इसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे किसके साथ, साइड के साथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लेंथ के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे। देखो एरिया जो होता दैट इज, चलो ये वाला पार्ट का जो एरिया था इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे, लेंथ के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट ध्यान देना, हम लोग इस शेप को जस्ट बना के दिखाता हूं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, ये एरिया को जब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्या मिलेगा, क्यूब। तो ये क्यूब का वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया इनटू लेंथ। एरिया क्या था, एल स्क्वायर था, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एल के साथ। देखो ना एरिया क्या रहता है, सॉरी वॉल्यूम क्या रहता है, एरिया इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना रहेगा, It will be L cube. चल, अब next वाला part. Next is cuboid. Cuboid में area क्या लोगे? तो cuboid जरा ध्यान देना कैसे दिखेगा? यहाँ पे आएगा एक rectangle. Rectangle का area क्या रहता है? Length into क्या रहता है? Breadth. इसको हम लोग multiply करेंगे किसके साथ? हम लोग इसको multiply करेंगे एक length, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Height. ध्यान देना. अब कैसे शेप बनेगा, तो यहाँ पे जो शेप बनने वाला है ये कुछ ऐसे दिखेगा।
ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया क्या था, एरिया वॉज लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया हाइट के साथ। तो हमारा क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम रहेगा ये क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या, हम लोग एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। चलो ये सर्कल का है, सर्कल का जो है एरिया इसको हम लोग क्या करते हैं, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये लेंथ को हम लोग क्या लिखेंगे, हाइट। तो हमें देखो कैसा शेप मिलेगा, ओके, हमें यहाँ पे जो शेप मिलने वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। ओके, तो सिलेंडर का एरिया, सॉरी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर था। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ से। तो यहाँ पे लेंथ कितना था, एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो शेप है इसको क्यूबॉइड लिखना, ये जो शेप है इसको आप क्या लिखो, क्यू। यहाँ पे हम लोग लेंथ किसको लेते, ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको आप क्या लोगे, लेंथ लोगे। नेक्स्ट ये जो पार्ट है, ठीक है, यहां पे ये जो पार्ट है इसको आप क्या लोगे, ब्रेथ। एंड ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको आप क्या लोगे, एच। ठीक है, तो हम लोग सारे डायग्राम में एच बनाते, देखो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, एच रहेगा, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, एच रहेगा, ये वाला जो पार्ट रहेगा ये क्या रहने वाला, एच। लेंथ कौन कौन सा पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, लेंथ, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, लेंथ। ब्रेथ कौन कौन सा, और सॉरी और पीछे वाला भी रहेगा, ये वाला भी हमारा लेंथ रहेगा। ब्रेथ कौन कौन सा पार्ट रहेगा, ये रहेगा ब्रेथ, ये रहेगा ब्रेथ, और ये वाला। तो ये सब क्या रहेगा, ब्रेथ रहेगा। याद रखना है, हाइट कौन सा पार्ट लोगे, ये वाले पार्ट को आप क्या लोगे, हाइट। ये एक चीज में बहुत जन गलती करते, तो ये गलती जस्ट अवॉइड करना। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। थर्ड आता है किसका, तो थर्ड आएगा यहाँ पे सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा, तो चलो ये करते, यहाँ पे सर्कल आएगा, नीचे और एक एक सर्कल आएगा, सर्कल का जो रेडियस है, लेट्स सी रेडियस कितना है, आर है। अब इसका जो हाइट है, ये वाले पार्ट को आप क्या लेते हो, हाइट लेते हो, तो यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर एच आएगा, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। फोर्थ जो पार्ट है ये अच्छे से याद रखना, दैट इज कोन। कोन क्या रहता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम रहता है उसका क्या रहता है, 1/3 रहता है। तो यहां पे लिख सकते हो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, याद करते हो बहुत इजी होता है। तो इधर आप लिख सकते हो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, इट इज पाई आर स्क्वायर एच। इसको फॉर्मूलाज को याद करो, क्योंकि ये सेम फॉर्मूलाज आपको टेंथ में है। फिफ्थ वाला जो पार्ट है, दैट इज यहां पे लिख सकते हो स्पीयर के लिए। स्पीयर सबसे पहले कोन का हम लोग शेप बनाते, ये रहता है कोन। कोन का जो यहां से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है इसको आप लोगे, ये कितना है, आर। इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है इसको आप क्या लोगे, एच। यहां से इधर तक का जो डिस्टेंस है इसको आप क्या लोगे, एल। ये जो एंगल है इधर, ये एंगल को कितना डिग्री लेना है, 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर आपको पता है क्या रहेगा, एक अच्छे तो जो आपका जो टेनिस बॉल्स रहता है, क्या कोई भी प्लास्टिक बॉल जो रहता है, उसको आप क्या बोलते हो, स्पीयर। अब स्पीयर का जो रेडियस रहता है ये क्या रहेगा, आर। इसका सब जगह जो डिस्टेंस रहने वाला कितना रहेगा, आर ही रहेगा, इस तरफ भी आर रहेगा। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना रहता है, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है दैट इज हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर क्या रहता है, स्पीयर का क्या रहेगा, हाफ रहेगा. हेमिस्फीयर क्या रहेगा, स्पीयर का हाफ. तो यहां पे मैं लिखता हूं हेमिस्फीयर, ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर. तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/2 इंटू यहां पे कितना आएगा 4/3 इंटू क्या आएगा पाई आर क्यूब. 2 से ये पार्ट कैंसिल, आपका आंसर कितना आएगा, इट विल बी 2πr³. तो आपको बस ये लास्ट का वैल्यू याद रखना है. अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट ये एरिया, सबसे आगे वाला जो सरफेस है आप नोटिस कर सकते हो, देखो ये आगे वाला जो सरफेस है इसका एरिया कितना आएगा, हम लोग पहले वो कैलकुलेट करते. तो इसका जो एरिया रहेगा ये कितना आएगा, एल स्क्वेयर आएगा. ओके, अब ध्यान दो, अब ऐसे कितने सर्फेस है, सबसे पहले इसका फ्रंट का एक सर्फेस रहेगा, ये सबसे आगे वाला जो सर्फेस है ये एक सर्फेस रहेगा. फिर इसका क्या पीछे वाला एक सर्फेस है, यहाँ पे जस्ट चेक कर इसको, मैं ब्लू कलर से बता रहा हूं, एक पीछे वाला एक सर्फेस रहेगा. तो ऐसे दो सर्फेस हो गए, एक सर्फेस रहेगा कहाँ पे, ऊपर, दूसरा सर्फेस कहाँ पे रहेगा, नीचे. एक रहेगा लेफ्ट में, एक रहेगा कहाँ पे, राइट में. वापस रिपीट करता हूं, ध्यान दो, सबसे पहले फ्रंट सरफेस रहेगा 1, इसको मैं फ्रंट लिखता हूं. फिर एक रहेगा पीछे का सरफेस, तो एक आएगा बैक. फिर एक सरफेस आएगा लेफ्ट में, एक सरफेस आएगा राइट में. एक सरफेस कहां पे आएगा, टॉप के तरफ आएगा, एक आएगा बॉटम के तरफ. हर जो सरफेस का एरिया है क्या आएगा, एल स्क्वायर आएगा हर सरफेस का, क्योंकि सबका लेंथ क्या है, सेम है. सबको ऐड करो, टोटल जो एरिया आएगा ये कितना आएगा, 6L², ये कितना आएगा, इट विल बी टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का. किसी को भी डाउट है पूछ सकते हो. अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रंट सरफेस, फ्रंट सरफेस में जरा मार्क करके दिखा था आपको, ये है इसका फ्रंट सरफेस. एंड कौन सा वाला मैं बात कर रहा हूं, इसका बैक सरफेस का बात कर रहा है, ध्यान दो, इसका बैक सरफेस. ठीक है, वापस, फ्रंट सरफेस और बैक सरफेस मैंने देखो रेड कलर के थ्रू उसको मार्क किया है. अब इसका एरिया क्या रहेगा, ध्यान देना, इसका एरिया क्या रहेगा, इट विल बी हाइट इंटू क्या रहेगा, लेंथ. आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर रहेगा, इसका एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू क्या रहेगा, हाइट. अब ध्यान दो, अब इसका लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस में ना ब्लू कलर के थ्रू मार्क कर रहा हूं, ध्यान दो, ये ब्लू कलर के थ्रू मार्क कर रहा हूं, ये रहेगा इसका लेफ्ट सरफेस, ये रहेगा इसका राइट सरफेस. ठीक है, आई होप ये सबको दिख रहा है, ब्लू कलर के थ्रू मार्क किया है. अब इसका एरिया क्या रहेगा, ध्यान देना, इसका एरिया क्या रहेगा, इट विल बी एच इंटू क्या रहेगा, बी. ये देखो हाइट इंटू ब्रेथ रहेगा. ठीक है, अब हम लोग क्या करते, टॉप एंड बॉटम सरफेस, तो ये टॉप एंड बॉटम सरफेस को मैं ग्रीन कलर के थ्रू मार्क करता हूं, तो आपको दिखने में आ जाएगा. ये हो गया सबसे टॉप का सरफेस, ये क्या हो गया, सबसे बॉटम का सरफेस. क्लियर है, टॉप एंड बॉटम का सरफेस. ये जस्ट इसको मैं जरा बना के दिखाता हूं. अब इसके लिए एल इंटू क्या रहेगा, यहां पे बी रहेगा. देखो लेंथ इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, ब्रेथ के साथ. ओके, इधर भी टोटल कितना फेस है, ध्यान दो, पहले आएगा फ्रंट एंड बैक, फिर आएगा लेफ्ट एंड राइट, फिर आएगा टॉप एंड बॉटम. ओके, सबसे पहले फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक का एरिया क्या था, एल इंटू एच था. इधर भी क्या था, L इंटू एच था. लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट का एरिया क्या था, एच इंटू बी था, एच इंटू बी. टॉप एंड बॉटम का एरिया क्या था, L इंटू बी,
एल इंटू बी, इन सबको मुझे ऐड करना है, तो ये एल एच प्लस ये एल एच कितना होएगा, 2LH होएगा। वैसे ये HB प्लस HB ये कितना होएगा, 2HB होएगा। वैसे ये LB और ये LB ये कितना होएगा, 2LB होएगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा ये क्या आएगा, इट विल बी सब में 2 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर आएगा L इंटू एच प्लस H इंटू बी प्लस L इंटू बी, और इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी टोटल सरफेस एरिया इसका क्यूबॉइड का। अब सिलेंडर में सबसे पहले चीज, दो सर्फेसिस है, ध्यान देना, सबसे पहला सर्फेस है ना, मैं मार्क करता हूं ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, सबको मेरा वीडियो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये मैं हाथ में कुछ पकड़ा हुआ दिख रहा है, चेक करो दिख जाएगा, स्क्रीन स्विच कर, हाथ में कुछ दिख रहा है, ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में देखो, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा एरिया का बात कर रहे हो, चेक करो, इसका जो साइड का जो कर्व सरफेस है ना, हम लोग इसका बात करें, ऊपर और नीचे का नहीं, सिर्फ साइड का एरिया का हम लोग बात कर रहे हैं, आई होप समझ में आ रहेगा, ये जो साइड का एरिया ना हम लोग इसका बात करें, ठीक है, ओके। अब जैसे पहले चीज है, साइड का एरिया क्या रहेगा, हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते, तो ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो साइड का एरिया है, ये आप नोटिस कर सकते थे, ये क्या था, एक कर्व था, तो हम लोग ऐसे टाइप के एरियाज को हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे टाइप के एरिया को हम लोग लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये जो साइड का एरिया, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, एक सिलेंडर का, ये किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा 2πr इंटू यहां पे क्या रहेगा, लेंथ। दैट इज हमने क्या किया, हमने यहां पे ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो ब्लू कलर के थ्रू बता रहा हूं, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया हाइट के साथ, हाइट को हम लोग क्या लेंगे, h, सॉरी इधर h आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, इट विल बी 2πr इंटू यहां पे कितना आएगा h। हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया चाहिए रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर का सर्कल का एरिया है और ये जो नीचे का सर्कल का एरिया है, हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, किसको ऐड करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया को। तो यहां पे जो टोटल सरफेस एरिया आएगा ये इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस यहां पे क्या आएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो कर्व सरफेस एरिया कितना था, हमने अभी कैलकुलेट किया, इट इज 2πr इंटू एच था, एरिया ऑफ सर्कल क्या था, इट वॉज 2 इंटू पाई आर स्क्वेर। इसमें आप नोटिस कर सकते हो 2πr कॉमन है, इसमें भी ये 2πr कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा एच प्लस इधर कितना आएगा, आर आएगा। तो ये रहेगा टोटल सरफेस एरिया इसके लिए, कोन के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंड ये वाला फॉर्म। सर कोन के लिए कि सिलेंडर के लिए, ओ सिलेंडर है, सॉरी मेरा गलती हो, यहाँ पे सिलेंडर आएगा, सिलेंडर लिख लेना। ये जो ऊपर का फॉर्मूला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे ले सकते हो हाइट, ये क्या कर्व्ड सरफेस एरिया किसके लिए, सिलेंडर के लिए लिखना, यहां पे किसी को भी डाउट है पूछ सकते, तो यहां पे लिखना कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन के लिए, ये इक्वल टू रहेगा पाई आर इंटू यहां पे क्या रहेगा, एल,
ये एल को हम लोग क्या बोलते, ये एल का नाम है स्लांट हाइट। ओके, ये स्लांट हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज एल स्क्वायर ये इक्वल टू रहेगा आर स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा एच स्क्वायर, एल इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस इधर क्या आने वाला है एच स्क्वायर। तो ये एल ढूंढने का एक तरीका है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है तो आप ऐसे ये फॉर्मूला से आप ढूंढ सकते हो, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए कोन के लिए अभी टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, इट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको हम लोग किसके साथ ऐड करेंगे, तो आप यहां पे नोटिस कर सकते हो नीचे के पार्ट में, यहां पे आप नोटिस कर सकते हो एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ यहां पे ऐड करेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल ऐड करेंगे। तो इधर ये कितना आएगा, इट विल बी पाई इंटू आर इंटू लेंथ प्लस इधर कितना आएगा, इट विल बी पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर रहता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में पाई और आर कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा एल प्लस कितना आएगा आर, ये रहेगा टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए रहेगा कोन के लिए रहेगा। देना स्पीयर में तो हर सरफेस क्या रहने वाला है, कर्व्ड रहने वाला है, तो नो डाउट अबाउट इट। इसका रेडियस क्या रहेगा, आर। तो यहां पे इसका जो टोटल सरफेस एरिया रहेगा एंड इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, दोनों सेम ही है कि स्पीयर में हर सरफेस कर्व्ड रहता है। ओके, और ये किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा फोर इंटू यहां पे क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज फॉर हेमिस्फीयर। अब ध्यान देना, हेमिस्फीयर में जो कर्व्ड सरफेस आएगा वो सिर्फ क्या रहेगा, जस्ट ध्यान दो, इसको मैं रेड कलर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्पीयर का सॉरी हेमिस्फीयर का जो ये वाला रेड सरफेस जो रहेगा ये सिर्फ कर्व्ड रहेगा। तो यहां पे हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा ये क्या रहेगा, स्पीयर का क्या होने वाला है, हाफ। स्पीयर का जो हाफ रहेगा कितना रहेगा, इट विल बी टू पाई आर स्क्वायर रहेगा। अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नीचे का जो सर्कल है इसका एरिया को कर्व्ड सरफेस के साथ क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अगर लेट्स से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, जो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको मैं ऐड करूंगा किसके साथ, एरिया ऑफ सर्कल के साथ इसको मैं यहां पे ऐड करूंगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ रहा है, इट इज टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर, दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, थ्री पाई आर स्क्वायर आएगा। सबसे पहले इधर मैं सारे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखता हूं, तो यहां पे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, हम लोग सबसे फर्स्ट लिख रहे क्यूब के लिए, क्यूब के लिए कितना रहता है एल क्यूब रहता है। सेकेंड है क्यूबॉइड के लिए, क्यूबॉइड के लिए इट इज एल इंटू बी इंटू एच। थर्ड आता है किसके लिए, सिलेंडर के लिए, यहां पे आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फोर्थ आता है क्या, कोन, कोन का जो वॉल्यूम रहेगा सिलेंडर का क्या रहेगा, वन थर्ड रहेगा। फिर आता है स्पीयर, स्पीयर का जो वॉल्यूम रहता है फोर बाय थ्री ऑफ सिलेंडर रहता है, तो आप चाहे तो फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब लिख सकते हो। सिक्स जो है दैट इज हेमिस्फीयर,
हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम रहेगा, स्पीयर का क्या रहेगा, हाफ, तो इधर आएगा 2/3 πr³। यहाँ पे आप चाहे तो सरफेस एरिया लिख सकते हो,